आज मैं देखता हूँ तो कोई ऐसा अट्रैक्टिव दिखता नहीं है इतनी बेईमानी इतनी डिजोनेस्टी इतनी इनह्यूमैनिटी धोबी या बनिया या डॉक्टर या कोई भी नब्बे दिन के बाद तो पैसा लेना नहीं था, लेता नहीं है उन्हें तो फ़ौरन देना पड़ता है अब ये नब्बे दिन का जो सिस्टम निकाल के रखा है लोगों ने ये सबसे बड़ा फ़र्क है एक चीज़ मैं बताऊं पुराने जमाने के जो हीरो होते थे वो हजारों के बीच में अगर खड़े हो जाएंगे तो अलग दिखे आज के हीरो दस के बीच में भी खड़े हो जाएं तो अलग नहीं दिखते तो सिनेमा का जो और जो इन लोगों ने क्रिएट किया है वो और खत्म हो गया है पहले तो मतलब मुझे याद है कि मैं गया में था स्कूल में था उस वक्त किसी इलेक्शन के लिए प्रेमनाथ जी आए हुए थे भीड़ में वो सबसे यूनिक सबसे डिफरेंट सबसे अट्रैक्टिव दिख रहे थे आज मैं देखता हूं तो कोई ऐसा अट्रैक्टिव दिखता नहीं है माफ करना भाई मुंह से निकल गया आजकल के एक्टर लोग भी बहुत अच्छे हैं आप लोग भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब जो हैं वो विनोद खन्ना दिखें या कबीर बेदी दिखें या सुनील दत्त दिखें या दिलीप कुमार दिखें या देवानंद दिखें या राज कपूर दिखें ऐसा ज़रूरी नहीं है ज़रूरी है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है जैसे नसीर भाई ने प्रूव किया कि वो ज़रूरी नहीं है ये ज़रूरी है ओम पुरी जी ने प्रूफ किया कि वो ज़रूरी नहीं है ये ज़रूरी है तो ही इस नमत में शॉर्ट इन शॉर्ट यही है कि ए, पहले लोग जो हैं वो ए, सिर्फ कलाकार जो होते थे वही इंडस्ट्री में आते थे और यही वजह थी कि फ़िल्मों को इतना आ, बड़ा स्थान मिला इतना ऊंचा स्थान मिला क्योंकि कला से रिलेटेड मामला उस वक्त हुआ करता था पैसे से रिलेटेड उस वक्त उतना मामला नहीं हुआ करता था लोग फिल्में बनाते थे शौक़ से बनाते थे उनको एक आत्मा को उनकी एक संतुष्टि मिलती थी आप भी आजमा कर देखिए अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है और उससे आप माफ़ी मांगेंगे तो आपको एक अंदर बड़ी अजीब सी सुकून और बड़ा अच्छा सा महसूस करेंगे तो हमारे अंदर जो आत्मा है ना उसकी खुराक ही है मोहब्बत इज़्ज़त प्यार समझ गए तो ये जो है आत्मा को सुख पहुँचाने वाले लोग जो चाहते हैं कि मेरी आत्मा सुखी रहे उनको सच्चा रहना पड़ेगा उनको अच्छा रहना पड़ेगा तो अच्छी फिल्में जो ऐसे पहले बनती थीं ऐसा नहीं है कि पहले ख़राब फिल्में नहीं बनती थी बनती थी लेकिन पहले जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहानियों पे ध्यान दिया करते थे कैरेक्टराइजेशन पे ध्यान दिया करते थे कहानी के पेच में पेच ट्विस्ट कितने होने चाहिए उस पे ध्यान दिया करते थे और ये पहले जैसा अब कुछ है नहीं सही बताऊँ तो ये तो भाई जनता जो है वो जो देखना चाहती है और जिस उम्मीद में जाती है उस उम्मीद पे खड़ी नहीं उतरती हैं फिल्में उसकी वजह जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि हम अंधे पे फिल्म बना रहे हैं और विजुअल ऐसा सा दे रहे हैं जैसे उसको सब कुछ दिख रहा है कहने का मतलब ये है कि हम जो हैं वो खिचड़ी बना रहे हैं ना भारतीय जो इमोशंस हैं भारतीय फीलिंग्स जो हैं भारतीय परंपराएं जो हैं भारतीय मान्यताएं जो हैं ह्यूमैनिटी को लेकर के इंसानियत को लेकर के उस पे अगर आप फिल्म बनाएंगे तो फिल्में ज़रूर चलेंगी और अगर आप खिचड़ी बनाएंगे आधी अपनी आधी दूसरे ए, बाहरी लोगों के कल्चर को आप अपने कल्चर में मिक्स करना चाहेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती है मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने ही कल्चर में रहना चाहिए अपने ही कल्चर को ध्यान में रख कर के कहानियाँ सोचनी चाहिए अपनी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए कहानी सोचनी चाहिए और अच्छा सुनना अच्छा देखना सभी चाहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अच्छा दिखाएं अच्छा बनाएं अच्छा सोचें फ़र्क मेरे मुझे बहुत ज़्यादा उतना समझ में नहीं आया बेटे और मैं फ़र्क बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे ज़माने में इंडस्ट्री में जो था वो ओ, कलाकार आता था अपना काम करता था शाम को पैसे ले चला जाता था आज जो फ़र्क है वो सबसे बड़ा फ़र्क ही यही है कि कलाकार आता है दिन भर काम करता है और 90 दिन के बाद पेमेंट मिलती है जब गरीब था देश हमारा तब तो पैसे मिल जाया करते थे लोगों को और कन्वेंस भी मिलता था अब जब अमीर हो गया है दोष तो ना आर्टिस्ट को कन्वेंस मिलता है ना उसको प्रॉपर पैसे मिलते हैं ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी ट्रेजिटी है इंडस्ट्री की कि लोग जो हैं वो प्रोड्यूसर्स जो हैं या चैनल्स हैं कौन एक दूसरे को लोग इल्ज़ाम डालते हैं चाहे कुछ भी हो एक एक्टर या एक करैक्टर आर्टिस्ट या टेक्नीशियन उनका विचारों का धोबी या बनिया या डॉक्टर या कोई भी नब्बे दिन के बाद तो पैसा लेना नहीं था, लेता नहीं है उन्हें तो फ़ौरन देना पड़ता है अब ये नब्बे दिन का जो सिस्टम निकाल के रखा है लोगों ने ये सबसे बड़ा फ़र्क है और मुझे लगता है कि यही कलियुग की निशानी है इतनी बेईमानी इतनी डिजोनेस्टी, इतनी इनह्यूमैनिटी ना, अच्छा नहीं है हमको सुधरना होगा हमें अच्छाई वापस लानी होगी आज के लिए इतना काफ़ी है